वेलकम बैक टू स्टॉक्स पावर यूट्यूब चैनल। तो आज यहाँ पे हम ऑयल इंडिया लिमिटेड स्टॉक के बारे में बात करने वाले हैं और लेटेस्ट अपडेट यहाँ पे देखने वाले। तो ऑयल इंडिया लिमिटेड स्टॉक की बात की जाए तो देख सकते हैं कि ऑयल इंडिया लिमिटेड 197.95 पे क्लोजिंग देता हुआ नजर आ चुका है। फ्राइडे के दिन हल्की सी बाइंग साइड में मूवमेंट देखने को मिले, फिर से 200 लेवल पे रेजिस्टेंस लगता हुआ नजर आ चुका है स्टॉक के लिए। तो देखा जाए तो इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट पे नजर डाली जाए तो देख सकते कि इंट्रेंसिक वैल्यू अच्छी खास है, यानी कि इन्वेस्टमेंट करने के लिए करंट प्राइस जो है इंट्रेंसिक वैल्यू से कम है। आरओई वर्सेस एफडी रेट देखा जाए तो बैंक एफडी से तो अच्छा रिटर्न दे देता है स्टॉक। डिविडेंड की बात की जाए तो देख सकते स्टॉक ऐप पे अट्रैक्टिव डिविडेंड भी ऑफर कर लेता है, एंट्री करने के लिए भी एक अच्छा मौका है तकरीबन स्टॉक के अंदर, क्योंकि स्टॉक ओवरऑल जोन में नहीं है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, नो रेड फ्लैग स्टॉक यहाँ पे एसएम जैसे लिस्ट में नहीं है और तकरीबन प्रोमोटो होल्डिंग में ज्यादा शेयर प्लेज नहीं है। तो देखा जाए तो देख सकते कि तकरीबन एनर्जी सेक्टर में मुड़ता है स्टॉक ऑयल एंड गैस में। मिड कैप का स्टॉक है, मार्केट कैप 21,000 करोड़ के ऊपर है। रिस्क देखी जाए तो हाई रिस्क का स्टॉक है। तो पिछले 1 वीक की मूवमेंट देखी जाए तो 1 वीक में 3.91% की तेजी देखने को मिले। उसी तरह 1 मंथ की चार्ट देखी जाए तो 1 मंथ में देखा जाए तो रेंज बाउंड मूवमेंट, फिर भी 7.46% अब फिर स्टॉक। न्यूज के ऊपर ध्यान डाली जाए तो न्यूज में देखा जाए तो 11 आवर्स एगो का न्यूज है। तकरीबन देखा जाए तो 12 सेंट्रल पीएस इज वर्किंग विदाउट सीएमडी और एमडी, रंजीत राज अपॉइंटेड चेयरमैन एंड एमडी ऑफ ऑयल इंडिया 4 डेज एगो की न्यूज है। तो बाकी के डिटेल देखे जाए जैसे कि चार्ट के ऊपर नजर डाली जाए तो फिर से एक बार 200 लेवल का रिएक्शन लेता हुआ नजर आ चुका है यहाँ पे ऑयल इंडिया स्टॉक। यानी कि देखोगे तो ऑयल इंडिया ने की गिरावट के बाद यहाँ पे 172 पे सपोर्ट लेके बाउंस बैक हो चुका था, फिर गिरावट हो गई थी, फिर यहाँ पे देख सकते 180 लेवल से बाउंस बैक हुआ, रिसेंटली फिर से 200 लेवल के पास दे रहा है। जैसे ही 200 लेवल को ब्रेकआउट करेगा तो और तेजी देखने को मिलेगी 215 लेवल तक। तो ये लेटेस्ट अपडेट ऑयल इंडिया स्टॉक के लिए।